एक्सेल के आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं अपर लोअर और प्रॉपर फार्मूला के बारे में। और उसके बाद जो है सेंटेंस, ये एक्चुअली कोई फार्मूला नहीं है, एक्सेल में एक मेथड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली अपर लोअर और प्रॉपर फार्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज करता है। तो ये तीनों फार्मूला बेसिकली टेक्स्ट के साथ काम करता है। तो यहाँ पे देखिए C4 सेल में हमने कुछ लिखा है केस चेंज इन एक्सेल बोल के, लेकिन यहाँ पे जो केस है मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, ये दिखने में ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम केस चेंज करके देखेंगे कैसे इसको देखने में अच्छा बनाया जाए। तो पहले हम इस जो टेक्स्ट है इसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे और अपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, UPPER टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। देखिए केस चेंज इन एक्सेल, ये जो टेक्स्ट है ये टोटली अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमें इस मतलब इस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम लोअर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लोअर LOWER। देखिए सारा जो टेक्स्ट है मतलब हर एक करेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। सेम प्रॉपर केस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर केस एक्चुअली क्या है, किसी भी वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है ये वो कैपिटल में होगा, बाकी का कैरेक्टर स्मॉल में होगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर केस। तो प्रॉपर केस के लिए हम PROPER टाइप करेंगे, प्रॉपर सॉरी PROPER प्रॉपर टाइप करेंगे और यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए जितना वर्ड्स है यहाँ पे, देखिए पहला वाला जो वर्ड है जितना वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल में है और बाकी का कैरेक्टर स्मॉल में है, तो ये है प्रॉपर केस। और लास्ट जो है सेंटेंस, सेंटेंस केस बोल के कोई फॉर्मूला एक्सेल में एग्जिस्ट है नहीं एक्चुअली। अगर हम सेंटेंस इक्वल टू टाइप करेंगे SENTEN, देखिए एक्सेल कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो अगर हमें इस मतलब जैसे हम किसी पैराग्राफ में लिखते हैं किसी भी मतलब सेंटेंस का पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में होगा और बाकी का जो कैरेक्टर है वो आपका स्मॉल में होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे। अगर हम लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता, मतलब ये अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते तो वहाँ पे ऑप्शन है सेंटेंस किस का, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसके लिए ये इस सेल को हम कॉपी करेंगे और इसको वर्ड में जाके देखेंगे कैसे इसको करते हैं, थोड़ा सा देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तो वर्ड में हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेंगे, जूम किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया, तो ये सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा आप होम ग्रुप के अंदर फॉन्ट सॉरी होम मेनू के अंदर जो आपका फॉन्ट ग्रुप है इसके अंदर देखिए चेंज केस बोल के एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे इतना सारा केसेस है, इतना सारा डिस्कस करना भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे लोअर केस भी है, अपर केस भी है, टोगल केस है। टोगल केस मतलब जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल है कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लोअर केस करेंगे तो देखिए सारा कैरेक्टर जो है लोअर केस में आ गया, और अगर हम इसको सेंटेंस केस करेंगे तो देखिए पहले वाला जो कैरेक्टर है ये सी ये कैपिटल में हो गया और बाकी का कैरेक्टर स्मॉल में हो गया। अगर ये हम लोगों के पास बहुत एक पैराग्राफ होता हम लोग इसको अप्लाई करते तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन अगर हम किसी डेटा के साथ एक्सेल में काम कर रहा है बहुत सारा सेल में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ऐसे वर्ड में कॉपी और कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते है ना। तो इसके लिए एक मेथड है एक्चुअली, दो तीन फॉर्मूला इसमें मैं यूज़ करूँगा, उसका अभी तक डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, तो आगे जाके हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इक्वल टू पहले वाला जो कैरेक्टर है उसको अपर में करना है, इसलिए मैं अपर करूँगा, अपर केस टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह पे मैं लेफ्ट का एक कैरेक्टर लूंगा। इसके लिए लेफ्ट बोल के एक फॉर्मूला है, लेफ्ट में टेक्स्ट इसका दो आर्गुमेंट है लेफ्ट के, टेक्स्ट और नंबर कैरेक्टर, मतलब किसी भी टेक्स्ट का कितना नंबर लूंगा लेफ्ट से ये एक्चुअली। ठीक है, तो C4 का एक कैरेक्टर मैं लूंगा लेफ्ट से, तो ये क्या हुआ देखिए सी मतलब पहला जो कैरेक्टर है उस कैपिटल कर दिया, इसके साथ हम जोड़ेंगे बाकी का जो कैरेक्टर है उसको, इसके लिए हम एंड यूज करेंगे। इसको देख के आप डिस्टर्ब मत फील कीजिए, इसको हम बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लोअर केस टाइप करेंगे, अभी पहला वाला अपर हो गया,
लोअर केस टाइप करेंगे, और टेक्स्ट टेक्स्ट में राइट का सारा कैरेक्टर लेंगे हम एक छोड़ के, मतलब लेफ्ट का एक छोड़ के बाकी कैरेक्टर लेंगे, इसलिए हम राइट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। राइट ये टेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर चेंज भी हो सकता है इस सेल में, जो कैरेक्टर्स है जितना मतलब लेंथ है इसका 15 या 20, किसी और सेल में किसी और हो सकता है, इसलिए हम इसको डायनामिक ले लेंगे। तो इसके लिए लेन बोल के एक फॉर्मूला है, LEN, जो क्या करता है किसी भी टेक्स्ट का लेंथ को मेजरमेंट करता है। तो ये सेल हम लेंगे और -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, तो इस सेल का वैल्यू का जितना मतलब लंबाई है, जितना कैरेक्टर है इसमें, उससे हम एक लेटर दाएं तरफ से कम लेंगे, क्योंकि सी मैंने पहले ऑलरेडी ले चुका है अपर केस में, ठीक है। तो ये करके हम इसको अगर क्लोज कर देंगे तो देखिए केस चेंज इन एक्सेल, ये एकदम प्रॉपरली सेंटेंस केस में आ चुका है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं ही इज द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, बॉय इज लो आईएसडी टू स्कूल, तो देखिए कैपिटल जो है अपर वाला केस पूरा एकदम अपर कर दिया, जो लोअर केस है वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, जो प्रॉपर केस है उसको प्रॉपर केस में कर दिया, और जो जो सेंटेंस केस है उसको सेंटेंस वाला केस में कर दिया। यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी कैपिटल में लिखेंगे स्मॉल में लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जो आउटपुट है उसमें, देखिए परफेक्टली आ रहा है। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे ये तीनों फॉर्मूले के बारे में, कैसे इसको अप्लाई करते हैं और किसको कैसे अपर और लोअर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट करते हैं। और ये सेंटेंस केस का जो डिटेल है इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आप भी इसको डिटेल में अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे जाके हम किसी और वीडियोस में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।